गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, अपना ध्यान रख रहे हो। कोरोना वायरस के पीरियड में तुम लोग अपना ध्यान भी रख रहे हो, ख्याल भी कर रहे हो, स्वस्थ हो। आज का लेक्चर तुम लोग मेरे साथ करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने आज 5 सितंबर जो टीचर्स डे है वो तुमने विश किया। मेरी तरफ से और मेरे सारे टीचर्स, मेरे जो सहयोगी उनके तरफ से मैं तुम लोगों का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू ये सम्मान देने के लिए। आशा करता हूँ कि तुम सब एक दिन बहुत 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 तरक्की करो, बहुत बहुत ऊपर जाओ और हम सब का नाम बहुत ही रोशन करो, ताकि एक दिन हम सब तुम लोगों के लिए प्राउड फील कर सकें। ठीक है, तो यही दुआ के साथ, यही प्रे के साथ आज का लेक्चर, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, टॉपिक ख़त्म करना, सिलेबस ख़त्म करना भी तो ज़रूरी है। तो चलो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। दो टॉपिक रह गया है, आज ख़त्म कर दूंगा तो अल्टरनेटिंग करंट हमारा पूरा एकदम फिनिश हो जाएगा। यही खुशखबरी, खुशखबरी क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे एसी जनरेटर। ठीक है, अब जनरेटर तो हम जानते ही है क्या है, जनरेटर का मतलब क्या है, जनरेटर मतलब करंट जनरेट कर रहा है। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट चेंजेस हो रहा है। कैसा करंट? इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम फ्लेमिंग्स, राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, अच्छा तो एसी जनरेटर क्या है, यानी इट इज एन डिवाइस, अगर इसका हम अगर डेफिनेशन लिखे तो इट इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हम देखते हैं ना जनरेटर बड़े बड़े फंक्शंस पे, बड़े बड़े पे स्विच देते, अंदर का मशीन चलता रहता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, जिसके वजह से घर पे क्या आता है या फिर बड़े बड़े फंक्शंस में क्या आता है, करंट आता है। ठीक है, तो एसी जनरेटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इट इज अ डिवाइस, ये क्या है, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्क ऑफ द एसी जनरेटर। अगर इसका हम प्रिंसिपल देखें तो इसका प्रिंसिपल क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है ये तो हम जानते हैं, अलग से समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जनरेट हो रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस के वजह से सर्किट पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अच्छा तो इसका हम अभी इस जनरेटर का, एसी जनरेटर का हम अभी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कैसे बनाया जाता है हम देखेंगे और कैसे काम करता है ये भी हम देखेंगे। पहले यहां तक उतार लो, ठीक है, अभी हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, ये कैसे बनाया जाता है।
इसका अंदर का हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दो मैग्नेट रहेगा ऐसे, तो मैग्नेट का पोल पीसेस रहेगा ऐसे, नॉट सब, ठीक है। और यहां पे एक आर्मेचर रहेगा, आर्मेचर यानी कॉयल, ठीक है, एक आर्मेचर रहेगा ऐसे, आर्मेचर यानी कॉयल लूप, रेक्टेंगुलर कॉयल रूप रहेगा, ठीक है। दो स्लिप रिंग्स रहते हैं, मैं यहां पे दिखा के देता हूं, दूसरे चौक से दिखाता हूं, सुविधा होगा। दो स्लिप रिंग्स रहते हैं ऐसे, दो स्लिप रिंग रहते हैं ऐसे, इसका एक पार्ट ये हो गया, दो स्लिप रिंग्स रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो स्लिप रिंग्स का नाम दे देते हैं, ये आर वन, ये आर टू, दो स्लिप रिंग्स का हमने नाम दे दिया आर वन और आर टू, ठीक है। ये आर्मेचर को हमने नाम दे दिया सपोज ए बी सी डी, ए बी सी डी आर्मेचर को नाम दे दिया, ठीक है। और ये जो दोनों एक्सटेंशन दिखाया है मैंने, ये जो दोनों एक्सटेंशन दिखाया है, इसको हम बोलते हैं ब्रासेस, बी वन एंड बी टू, ठीक है। तो क्या क्या है कंस्ट्रक्शन में, हमने क्या क्या किया कंस्ट्रक्शन पे है, फर्स्ट टू मैग्नेट पोल पीसेस नॉर्थ साउथ, ठीक है, नंबर टू। सेकेंड पे हमने क्या देखा, आर्मेचर एबीसीडी, आर्मेचर एबीसीडी, ठीक है, स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, स्लिप रिंग स्प्लिट रिंग, बात ये की है, स्लिप रिंग्स ये तुमको क्लास 10 में मिला है, ठीक है, स्लिप रिंग्स आर वन आर टू, ठीक है, टू ब्रासेस, बी वन एंड बी टू, ठीक है, टू ब्रासेस बी वन एंड बी टू। अभी ये हमारा एक्सिस है, जिस एक्सिस के थ्रू ये घूमेगा, जिस एक्सिस के थ्रू ये घूमेगा, ये जो डॉटेड लाइन जो मैंने दिया है इस एक्सिस के थ्रू ये घूमेगा, और B1 और B2 कनेक्शन रहेगा, जो हमारा सर्किट बोर्ड का, जो घर का, जो हाउस होल्ड कनेक्शन का जो मेन पावर लाइन रहता है, वही पावर लाइन पे ये कनेक्टेड रहेगा, टू पावर लाइन, टू पावर लाइन, ठीक है। दिस इज द बेसिक सर्किट डायग्राम, दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ, 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 ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो फटाफट, ओके okay? अच्छा, तो स्लिप रिंग
और ब्रासेस का यहाँ पे काम किया गया, तो हम क्लास 10 में भी पढ़ा है, हम जानते हैं स्लिप रिंग और ब्रासेस का क्या काम है यहाँ पे। मैग्नेट का तो हमको समझ में आता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही ये अगर घूमेगा, ये अगर घूमेगा, मैं दिखा के देता हूँ, सपोज मान के चलते है कि ये ऐसा कॉयल है, ठीक है, ये ऐसा कॉयल है, तो ये अगर ऐसे घूमेगा, ये अगर ऐसा टर्न होगा, सपोज ए बी सी डी हो गया, ठीक है, अभी ए बी साइड ऊपर आ गया, सी डी साइड नीचे चला गया, ये देखो ए बी साइड ऊपर आ गया, सी डी साइड नीचे चला गया, यानी ये घूम गया। घूमने के बाद क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंजेस होगा, जिसके वजह से एक करंट जनरेट होगा, इंड्यूस करंट। अभी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालेंगे हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। अभी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमको क्या बोलता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमको बोलता है कि ये अगर मोशन ऑफ द कंडक्टर है, थंब अगर मोशन ऑफ द कंडक्टर है और फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये देगा हमको करंट, ठीक है, ये देगा, ये सेंट्रल फिंगर देगा हमको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। ये तो हम जानते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये तो हम जानते हैं, जिसको हम जनरेटर रूल भी बोलते हैं, यही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अभी देखो मोशन ऑफ द कंडक्टर कैसा रहा, मोशन ऑफ द कंडक्टर रहा ऐसे, ठीक है, यानी ऐसे निकल गया, ठीक है, ये अंदर चला गया, ये जो थंब जो है मोशन ऑफ द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा रहेगा, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, इस तरह, यानी करंट का डायरेक्शन रहेगा ए बी सी डी आर वन आर टू बी वन, समझ में आया, ठीक है, फिर से मैं समझा के देता हूं। अगर हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई किया, अगर हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद देखो ए बी साइड ऊपर आ गया, सी डी साइड नीचे चला गया, ठीक है, ये ऐसे घूम गया, ये ऐसे घूम गया, सपोज ये कॉइल आर्मेचर है ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी, अब ये ऐसा घूम गया, ठीक है, तो देखो सी डी साइड नीचे चला गया, ए बी साइड हमारे तरफ से थ्री डायमेंशन तो है, तो थ्री डायमेंशन तो टू डायमेंशन प्लेन में हम दिखा नहीं सकते, तो देखो ए बी साइड यहाँ पे आ गया, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर हमारा कैसा रहा, मोशन ऑफ द कंडक्टर रहा हमारा ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ, मोशन ऑफ द कंडक्टर हमारा इस तरफ, तो करंट का डायरेक्शन रहेगा ए बी सी डी आर वन आर टू बी वन, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अभी अगर फर्दर अगर हम रोटेट करें, ये तो हो गया ए बी साइड ऊपर आ गया, सी डी साइड नीचे चला गया, अभी देखो ये हमने कर दिया, यानी अब सी डी साइड इस तरफ से चला गया, ए बी साइड इस तरफ से आ गया, यानी मोशन ऑफ द कंडक्टर अभी फिर से इधर से, अभी इधर से मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे, तो करंट रहेगा सी डी, अभी देखो कौन से साइड इस तरफ से आ रहा है, सी डी, सी डी बी ए, सी डी आर वन आर टू, सॉरी सी डी आर वन आर टू बी टू बी वन ए बी, ठीक है, अभी देखो समझा के देता हूं, पहले देखो ये हमारा एबीसीडी था, ये ए बी सी डी ऐसे हो गया, यानी सी डी साइड नीचे चला गया, ए बी साइड हमारा बाहर की तरफ आ गया, तो करंट का डायरेक्शन रहेगा, करंट का डायरेक्शन रहेगा ए बी, करंट का डायरेक्शन रहेगा ए बी उस तरफ से सी डी आर वन आर टू बी टू बी वन, समझ में आया, पावर लाइन तक करंट चला गया, ठीक है, एक वेव आया, एसी तो एसी का फास्ट साइकिल आया, फास्ट हाफ साइकिल आया, ठीक है, अभी सी डी हमारा नीचे है, ए बी हमारे ऊपर है, फर्दर ऐसे रोटेट करेगा, यानी सी डी हमारा अभी इस तरफ से, इस तरफ से हमारा सी डी, इस तरफ से ए बी, तो अभी करंट कैसा रहेगा, अभी करंट रहेगा सी डी ए बी आर वन आर टू बी वन, समझ में आया, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, एकदम पूरा, यानी एक हो गया ऐसे वेव, दूसरा हो गया हमारा ऐसे वेव, यानी एसी का एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो गया, ठीक है, यानी इसीलिए ये जनरेटर को हम एसी जनरेटर बोलते हैं। देखो पहले का अगर करंट, पहले का अगर करंट ए बी
सी डी आर वन आर टू बी टू बी वन अगर है, यानी पहले का साइकिल हाफ साइकिल पकड़ लेते हम ऐसे, ठीक है। तो दूसरे के लिए अभी करंट आएगा सी डी आर वन आर टू बी टू बी वन ए बी, यानी दूसरे के लिए करंट रहेगा हमारे ऐसे। तो देखो एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो गया ना एसी का, एसी का कंप्लीट साइकिल पूरा हो गया ना जीरो से लेकर टी तक। इसीलिए इस जनरेटर को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और सिंपल एसी जनरेटर, ठीक है। अभी ब्रशेस का काम क्या है, ब्रशेस और स्लिप रिंग का काम वही है। ब्रशेस का काम है कि सप्लाई तक यानी पावर लाइन तक कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई करना, और स्प्लिट रिंग का करंट, स्प्लिट रिंग का यहाँ पे दरकार इसीलिए है कि स्प्लिट रिंग को हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। तो स्प्लिट रिंग का काम यही है, बस स्लिप रिंग्स और स्प्लिट रिंग का काम वही है कि करंट को दोनों डायरेक्शन पे, करंट अगर एक डायरेक्शन में, क्योंकि ये एसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर नहीं है, डीसी जनरेटर एक डायरेक्शन में करंट देता है लेकिन एसी जनरेटर बोथ डायरेक्शन पे करंट देता है। तो बोथ डायरेक्शन पे करंट मेंटेन करने के लिए हम स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं, और करंट जो करंट जा रहा है उसी करंट को पावर लाइन तक पहुंचाने का काम हमारा ब्रशेस करता है। समझ में आया, यही था मेन। अगर हम इसका थ्योरी देखें तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डीटी, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डीटी, तो माइनस एन डी डीटी ऑफ फाई यानी फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब बी ए कॉस थीटा, ओके। तो बी ए हमारा कांस्टेंट है, माइनस एन बी ए हो गया डी डी टी ऑफ कॉस, और थीटा को हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया माइनस एन बी ए, माइनस एन बी ए, और डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी हो जाता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, डी डी ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो हो गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये माइनस हो गया प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो गया ई, और E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी होयर ई जीरो इज इक्वल टू एन वी ए ओमेगा। तो ये देखो ये हो गया ना ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन। इसीलिए इसी वजह से हम इस जनरेटर को ऑल्टरनेटिंग जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बोलते हैं, एसी जनरेटर बोलते हैं। समझ में आया, ओके। चलो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम करेंगे, तो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक एलसी ओसिलेशन, ठीक है। उतारो ये टॉपिक, डालो कॉपी पे।
एल सी ओसिलेशन, एल मीन्स इंडक्टर और सी मीन्स कैपेसिटर, ठीक है। इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव दोनों एक सर्किट पे है, ठीक है। दोनों का ओसिलेशन यानी इन दोनों जो वेव जनरेट करता है ये अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन रहता है। हर किसी, हर वेव, जितना भी वेव है वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जो एलसी ओसिलेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन भी रहेगा और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस भी रहेगा, ठीक है। दो तरह का इसमें ओसिलेशन आता है, एक है डैम्प ओसिलेशन और एक है अनडैम्प ओसिलेशन, हम देखेंगे अभी। पहले इसका हम सर्किट ड्रॉ करते हैं, एलसी ओसिलेशन का हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। ये इंडक्टर हमारा, यहां पे हम एक चाबी लगाएंगे के टू दे देते हैं। ये इंडक्टर हमारा एल, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर सी, ठीक है। यहां से हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे हम एक दूसरा चाबी लगाएंगे K1, ठीक है। तो ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, ये कैपेसिटर का प्लस, ये कैपेसिटर का माइनस, K2 K1, यही हो गया एलसी ओसिलेशन सर्किट। एक्चुअली देखो हम क्या जानते हैं, कैपेसिटर इज द स्टोरेज, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही हमारा स्टोरेज डिवाइस है। कैपेसिटर भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है और इंडक्टर भी हमारा स्टोरेज डिवाइस ही है, ठीक है। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, और इंडक्टर क्या स्टोर करता है, इंडक्टर करंट स्टोर करता है, ठीक है। यानी कैपेसिटर और ये जो एलसी ओसिलेशन है ये दो मोड पे काम करता है, दो मोड्स पे काम करता है। एक मोड है चार्जिंग करंट और दूसरा मोड है डिस्चार्जिंग करंट। यानी दो मोड पे अगर काम करेगा तो फर्स्ट चार्जिंग करंट रहेगा कैपेसिटर की तरफ से, यानी कैपेसिटर ही हमारा चार्ज रहता है, ठीक है। चार्जिंग करंट ठीक है, और इंडक्टर की तरफ रहेगा हमारा डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल घर में इन्वर्टर अगर है, घर पे हम हर किसी के घर पे इन्वर्टर रहता है। घर पे अगर इन्वर्टर है, जितने देर तक करंट रहता है उतने देर तक इन्वर्टर क्या होता रहता है, चार्ज होता रहता है। इन्वर्टर पे चार्ज स्टोर होता रहता है, करंट जो है वो स्टोर होता रहता है। लेकिन जब भी करंट हमारा चला जाता है, जब भी करंट चला गया फौरन इन्वर्टर में से करंट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं डिस्चार्जिंग मोड, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है। और पहले जो करंट जो था उसको था चार्जिंग मोड पे, वही करंट को हम बोलेंगे चार्जिंग करंट। सिंपल मैंने इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट लेके दिया तुम लोगों को, ठीक है। क्या होता है, दो मोड्स पे काम करता है एलसी ओसिलेशन। पहले मोड है हमारा चार्जिंग करंट, चार्जिंग मोड, दूसरा हमारा डिस्चार्जिंग करंट और डिस्चार्जिंग मोड। चार्जिंग मोड क्या है, इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट अगर हम पकड़े तो पहले जो करंट जो रहता है तो इन्वर्टर चार्ज होता रहता है, यानी चार्जिंग मोड पे करंट चला गया तो करंट पूरे घर में भी करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कौन कर रहा है, इन्वर्टर कर रहा है, तो अभी डिस्चार्जिंग मोड पे करंट जाने के बाद, ठीक है। यानी
ऑसिलेशंस अगर हम देखें तो पहले देखो सर्किट अगर हमने K1 कंसीडर किया फर्स्ट, अगर हमने K1 सर्किट को अगर हमने क्लोज किया, K1 चाबी को अगर हमने क्लोज किया तो देखो करंट यहां से यहां तक फ्लो होगा, लेकिन यहां पे चाबी ओपन है, यहां पे चाबी नहीं लगाया है, यहां पे चाबी नहीं लगाया है तो इधर से करंट नहीं जाएगा, इधर से करंट नहीं जाएगा, ओनली कैपेसिटर के थ्रू हमारा रहेगा, ठीक है। इधर से आएगा, इधर से आएगा, लेकिन इधर से जाएगा लेकिन यहां से कंटिन्यूएशन नहीं हो पाएगा, यानी ऊपर का सर्किट जो है, ऊपर के इंडक्टिव सर्किट जो है वो ऑफ रहेगा। K2 ध्यान से देखो, K1 चाबी को अगर हमने क्लोज किया, K1 चाबी को अगर हमने लगा दिया तो करंट फ्लो होगा इस तरह से, इस सर्किट पे ही हमारा करंट फ्लो होता रहेगा, बाकी दूसरे के तरफ करंट नहीं जाएगा क्योंकि यहां पे तो हमारा ओपन है, करंट कैसे जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हमने K1 को भी क्लोज कर दिया और K2 को भी क्लोज कर दिया, ठीक है, K1 को भी क्लोज कर दिया, K2 को भी क्लोज कर दिया, तो ये L पे भी करंट जाएगा और C पे भी करंट जाएगा, दोनों में भी काम करेगा, दोनों पे चलेगा। हमने K1 को भी क्लोज कर दिया, K2 को भी क्लोज कर दिया, तो दोनों की तरफ से हमारा करंट जग जाता रहेगा, करंट फ्लो होता रहेगा, दोनों में कंटिन्यूएशन होता रहेगा करंट, ठीक है। अब हमने K1 को ओपन कर दिया, जो पहले लगाया था K1, K1 को हमने ओपन कर दिया, K2 को सिर्फ क्लोज कर दिया। अगर K2 को क्लोज करे यानी K1 में से जितना चार्ज हो रहा है वो तो हो गया, अब हमने K2 को ऑफ कर दिया, सॉरी K1 को ऑफ कर दिया, अभी कौन सा करंट फ्लो होगा, अभी डिस्चार्जिंग करंट फ्लो होगा, ठीक है। जब तक हमने K1 तक K1 और K2 लगा रहते रहे, K1 लगा रहे, K1 को K2 को हमने ऑफ कर दिया, K1 को सिर्फ हमने लगाया, तब करंट चार्ज होता रहा, चार्जिंग करंट होता रहा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, K1 को भी कनेक्टेड किया, K2 को भी कनेक्टेड किया, फर्स्ट हमने K1 को कनेक्टेड किया जिसके वजह से कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होता रहा, करंट जो है वो चार्जिंग मोड पे था, ठीक है। अब हमने क्या किया, K1 को भी लगाया, K2 को भी लगाया, दोनों को लगा दिया। लगाने के बाद क्या हुआ, कुछ देर बाद हमने क्या किया, K1 को ऑफ कर दिया, K1 को हमने ऑफ कर दिया, अभी कौन सा करंट फ्लो होगा, जितना करंट कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर था, जितना करंट था उतना करंट अभी इंडक्टर के थ्रू क्या होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा। यानी पहले हमारा था चार्जिंग मोड पे, दूसरा हमारा हो गया अभी कब, जब सिर्फ K2 हो, K2 हमारा ऑन है, K1 ऑफ है, तब हमारा डिस्चार्जिंग मोड, ठीक है। इसके वजह से दो तरह का ऑसिलेशन जनरेट होता है, इसके वजह से दो तरह का ऑसिलेशन जनरेट होता है। अगर इंडक्टर का अगर ईएमएफ अगर हम जानते हैं E is equals to L di by dt, ये तो हम जानते ही है, ठीक है। और कैपेसिटर का ईएमएफ हम जानते हैं चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो दोनों का अगर हम ईएमएफ प्लस करें, टोटल ईएमएफ, सपोज ये ई वन पकड़ लेते हैं और ई टू पकड़ लेते हैं, तो ई वन प्लस ई टू यानी एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी, ये हो रहा है चार्जिंग मोड पे, ये डिस्चार्जिंग मोड पे, यानी जितना चार्ज हो रहा है उतना डिस्चार्ज कर रहा है, तो टोटल ईएमएफ कितना रहा हमारा, जीरो ही रहेगा, समझ में आया ना। जितना खा रहे उतना एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, जितना खा रहे उतना एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, टोटल एनर्जी क्या रह गया, जीरो, समझ में आया। जितना खा रहे उतना जा रहा है, 5 वोल्ट खाया, 5 वोल्ट यूज कर दिया, कितना रह गया, जीरो, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ हो गया हमारा जीरो, एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी, ठीक है। अच्छा, तो इम्प्लाइज और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते, ओके, यहां तक पहले उतारो, इम्प्लाइज
एल, आई क्या है, आई हमारा डी क्यू बाई डी टी है, तो इसको हम डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सिंस आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। Implies implies d square q by dt square plus q by lc is equals to zero, हमने l से multiply कर दिया, sorry l से divide कर दिया, multiply नहीं l से divide कर दिया, ठीक है। Implies डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी, ये तो बताने की अभी जरूरत नहीं है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी कहां से आता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल सी, नहीं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एल सी, सॉरी गलती हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एल सी, तो ये क्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्यू ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन। दिस इज द फाइनल differential equation of, this is the final differential equation of simple harmonic electrical oscillation simple harmonic electrical LC oscillation, ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे। तो यानी चार्जिंग मोड पे ऑसिलेशन एकदम पूरा कंप्लीट रहेगा, चार्जिंग मोड पे ऑसिलेशन एकदम कंप्लीट रहेगा, जिसको हम बोलेंगे अनडैम्प ऑसिलेशन, और डिस्चार्जिंग मोड पे धीरे 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 क्या होता रहेगा, चार्ज खत्म होता रहेगा, यानी ऑसिलेशन भी हमारा घटता रहेगा, इसको हम बोलेंगे डैम्प ऑसिलेशन, ठीक है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से दो तरह का ऑसिलेशन आता है, एक है डैम्प ऑसिलेशन और दूसरा हमारा अनडैम्प ऑसिलेशन। इसका वेव डायग्राम दिखा के देता हूं, ये हो गया हमारा अनडैम्प ऑसिलेशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा डैम्प ऑसिलेशन, देखो धीरे 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 खत्म हो रहा, ठीक है, ये हो रहा है डैम्प ऑसिलेशन।
ठीक है। उतार लो फटाफट। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते, और आज का लेक्चर के साथ ही हमारा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो है वो हमारा ख़त्म हो गया, यानी यूनिट जो हमने शुरू किया था, यूनिट नंबर 3-4 ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त होता है और हमारा अल्टरनेटिंग करंट भी शुरू ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ ये चैप्टर तुम लोगों को समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान भी रखो। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।